फ्रेंड्स है कैसे आप सभी लोग, आप सभी का फिर से बार स्वागत है मैं चैनल टीचर इलेक्ट्रॉनिक्स पे। और फ्रेंड्स सॉरी इस बार जो है वीडियो में बहुत लंबा गैप आ गया है, तो फ्रेंड्स मैं जो है थोड़ा एग्जाम्स वगैरह में फंस गया हूँ, उसके चक्कर में वीडियो में थोड़ा गैप आ रहा है और अभी थोड़ा एक आध महीने तक आएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स एक वजह और भी है, जैसा कि आप लोग जानते हैं जो चाइना बैन हो गया था, तो उसके लिए जो है हमारा कई सारा एम्पलीफायर अटक गया है, आ नहीं पा रहा है, और उसके कारण जो है हमको दिक्कत हो रहा है आप लोगों को एम्पलीफायर दिखाने के लिए। एक एम्पलीफायर आज आने वाला था लेकिन वो जो है उसका पार्सल फिर खो गया था, तो उसके लिए दिक्कत हो गया, नहीं तो आज मैं उसी का वीडियो बनाने वाला था, ठीक है। तो और फ्रेंड्स जैसा कि अभी दिवाली का सीज़न था, तो आप सभी को मेरे हिसाब से हैप्पी दिवाली। और चलिए फ्रेंड्स तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में हम करने के वाले हैं कि आप देख सकते हैं ये हमारे पास ये 2 इंच का एक स्पीकर है, फुल रेंज स्पीकर है, थोड़ा सा ख़राब कंडीशन में क्योंकि हम इसको थोड़ा रफली यूज़ किए हैं, इसलिए तो आज जो है हम इसको डायरेक्ट मोबाइल में कनेक्ट करने वाले हैं। आप लोग देख सकते हैं ये जो है अपना ऑक्स केबल है और ये इस साइड से इसकी निकली हुई तार है। तो ये तार को मैंने ऐसे टेपिंग करके क्यों निकाला है, क्योंकि आप लोग अगर खोला होगा तो आप लोग जानते होंगे कि इसके अंदर जो है कवरिंग वाली वायर आती है जो कि इतना आसानी से कनेक्ट नहीं होती, तो उसमें जो है सोल्डरिंग वगैरह करके तार निकालना पड़ता है, तो मैं वही उसके लिए निकाल के रखा हूँ। तो चलिए अभी जो है मैं इसको डायरेक्ट एक ग्राउंड को और एक नॉर्मल वाले कोई वायर को इसमें जोड़ करके हम टेस्ट करेंगे कि डायरेक्ट हम मोबाइल में लगाएंगे इस स्पीकर को तो ये कैसे साउंड कर रहा है। तो फ्रेंड्स अभी आप लोग देख सकते हैं मैंने जो है 2 वायर को यहाँ पर स्पीकर के कनेक्ट कर लिया है ये ईयरफोन जैक से। इसमें से जो 3 वायर आता है फ्रेंड्स लेफ्ट राइट और ग्राउंड, ठीक है। तो 2 वायर लेफ्ट और एक ग्राउंड में मैंने कनेक्ट कर दिया है इसको, आप किसी भी लेफ्ट राइट में और एक ग्राउंड में कनेक्ट करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं तो सजेस्ट करूँगा कि अगर आप लोग इसको घर में ना करें तो ही अच्छा है। और मेरे पास जो है फ्रेंड्स ये वाले कनेक्टर भी थे लेकिन इनका जो है कनेक्शन अच्छा नहीं आता, मतलब इनमें से आवाज़ नहीं आता है, मैंने अभी चेक किया बहुत दिक्कत होता है इनमें, तो मैं इनसे टेस्ट नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट इन्हीं से टेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि इसमें वायर्स निकले हुए हैं, ठीक है। तो अभी हम इसको कनेक्ट करते हैं अपने मोबाइल में और देखते हैं कैसा आवाज़ आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, कम आ रहा है, ठीक है। टेस्ट कर लेते हैं डायरेक्ट मोबाइल से स्पीकर पर डायरेक्ट कितना आवाज़ आ रहा है। तो फ्रेंड्स ये अपने पास NCS का सॉन्ग है, मैं आप लोग नॉर्मल मोबाइल में सुना दे रहा हूँ क्या साउंड आ रहा है, देख सकते हैं नॉर्मल ये साउंड है। अपन ईयरफोन लगाते हैं तो ईयरफोन कनेक्ट हो चुका है और अभी इसका आवाज़ तो मेरे को ऐसे नॉर्मली सुनाई नहीं दे रहा है। फ्रेंड्स स्पीकर इसमें कनेक्ट हो चुका है और साउंड जो है एकदम कम आ रहा है, मतलब एकदम कम। तो अभी जो है हम क्या करते हैं माइक को पास ले जा करके आपको सुनाने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स होप करता हूँ शायद तक आप लोगों को सुनाई दिया होगा क्योंकि ये बहुत कम आवाज़ है, शायद ही आप लोगों को सुनाई दिया होगा। तो फ्रेंड्स इस आवाज़ को जो है हम कैसे ज़्यादा करते हैं उसका सिंपल ट्रिक तो आप लोग जानते ही होंगे, हम जो है छोटा मोटा एम्पलीफायर को यूज़ करते हैं और वो एम्पलीफायर कई प्रकार के होते हैं जो कि हम ब्लूटूथ से वगैरह से कनेक्ट करते हैं, होम थिएटर्स हो सकता है, उसमें बड़ा कोई स्पीकर हो सकता है, ठीक है। और अगर आप लोगों को जो है एकदम कम रेट में एकदम मतलब अच्छा साउंड चाहिए तो उसके लिए आप लोग जो है ये PM बोर्ड वगैरह का यूज़ भी करते हैं। अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आप लोगों ने इसका वीडियो भी देखा होगा, ये PM बोर्ड जो है कम मतलब वाट निकालता है लेकिन जो है अच्छा खासा ये आप लोगों को ब्लूटूथ स्पीकर बनाने में ये काम आता है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। तो इससे भी मैंने जो है मतलब साउंड को कैसे बढ़ाते हैं, मतलब ये एम्पलीफायर का काम ही होता है कि साउंड को इंक्रीज करना, कम फ्रीक्वेंसी को ज़्यादा में बढ़ाना, उसी को बोलते हैं एम्पलीफायर, ठीक है। तो ये जो है आपका क्या करता है फ़ोन की साउंड को कम साउंड को लेकर के उसको ज़्यादा साउंड में कन्वर्ट करता है आपके बैटरी का पावर लेके और उसको जो है स्पीकर तक पहुँचा के ज़्यादा साउंड को जनरेट करवाते हैं, ठीक है। तो इसका यही काम रहता है। तो चलिए मैं इसको भी अभी आप लोगों को बस टेस्ट करके दिखाऊंगा कि इसको हम सिंपल लगाएंगे तो कितना मतलब साउंड आ रहा है, ठीक है। और बाकी इसका जो अनबॉक्सिंग वगैरह का और बाकी सब चीज़ का टेस्ट का इसका वीडियो तो ऑलरेडी हमारे चैनल पर डाला हुआ है, आप लोग जो है फ्रेंड्स आई बटन में इसका वीडियो भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी इसको भी टेस्ट करके देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स अभी आप लोग देख सकते हैं एम्पलीफायर का जो है हमने सिंपल रफ एक कनेक्शन कर दिया है जिससे कि हम जो है इसको एम्पलीफायर को पावर ऑन कर सके। आप लोग देख सकते हैं इसको हमने 2 वायर्स को लगाया है ताकि क्योंकि 2 वायर्स में एक स्पीकर चलेगा, अगर आपको 2 स्पीकर चलाना है आप 3 वायर को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो है मैं आप लोगों को चला के दिखाऊंगा। तो इसका कनेक्शन जो है फ्रेंड्स मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी इस पर बहुत सारे वीडियोज़ हैं, ठीक है, आप लोग वो कनेक्शन आसानी से कर लेंगे वीडियोज़ को देख के। इसमें जो है मैं सिर्फ आप लोगों को डिफरेंस बता रहा हूँ कि आप लोग डायरेक्ट मोबाइल से चलाएंगे और जब आप एम्पलीफायर लगा के चलाएंगे तो क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो चलिए अभी मैं इसको सॉन्ग प्ले कर देता हूँ। देख सकते हैं फ्रेंड्स एम्पलीफायर में ये फ़र्क पड़ता है, बस वो आपके ये इस बैटरी को ले इस बैटरी की एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है। Yeah.
फ्रेंड्स एम्पलीफायर को तो फ्रेंड्स अभी आप लोगों ने देखा बेस तो काफ़ी तगड़ा आ रहा था इस एम्पलीफायर में और आप लोग जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। ये जो है कैबिनेट में नहीं है इसलिए इसका जो है डिस्टॉर्शन आ रहा था, बैटरी भी थोड़ा सा डिस्चार्ज है और इसको जो है आप एकदम अच्छे तरीके से अगर इसको आप लोग असेंबल करेंगे इस एम्पलीफायर को और एक स्पीकर को, इसको आप लोग 5 वोल्ट दे सकते हैं मैक्सिमम, तो आप लोग 5 वोल्ट 1 एम्पियर अगर आप लोग इसको देंगे तो आप लोग काफ़ी अच्छा आउटपुट मिलेगा, आप लोग इसको यूज़ करके देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की स्टूडियो में बस ये लोग जो है आप लोगों को एक एक्सपेरिमेंट टाइप का करके दिखाने वाले थे कि बिना एम्पलीफायर के डायरेक्ट मोबाइल से कितना आवाज़ जा रहा है और एम्पलीफायर यूज़ करके कैसे आवाज़ जा रहा है। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, होप करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। जो है एम्पलीफायर वगैरह का वीडियोस इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि एम्पलीफायर डिलीवर नहीं हो पा रहा है, बाहर से मंगवाना पड़ रहा है। ठीक है, तो जल्दी जैसे ही एम्पलीफायर आ जाएगा उसके ऊपर भी वीडियो आ जाएगा, नेक्स्ट वीक तो आ ही जाएगा क्योंकि एम्पलीफायर आने वाला है जल्दी। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। Oh, 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 oh